ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो। ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो। हम तो देखते हैं हमारे सामने एक घर बना हुआ, इसमें भीतर जाने के लिए एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानों में पवन और प्रकाश के लिए खिड़कियां और झरोखे हैं। भीतर बड़े बड़े खंभे और तालान हैं। धूप और पानी के रोकने के लिए छत्ते और छज्जे बने हुए हैं। दालान दालान में खोसरी खोसरी में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में सुख देवे। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था क्या है, और वो ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। अब हम अपने शरीर की ओर देखें। हमारे शरीर में भोजन करने के लिए मुंह बना है, भोजन छापने के लिए दांत, भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए गले में नाली बनी है, उसी के पास पवन के मार्ग के लिए दूसरी नाली बनी है, भोजन को रखने के लिए उधर में स्थान बना है, भोजन पचकर रुधिर का रूप धारण करता है और वो हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से सिर से पैर तक सब नसों में पहुंचकर मनुष्य के संपूर्ण अंग को शक्ति सुख और शोभा पहुंचाता है। भोजन का जो अंग शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसके मल होकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ।